मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी अक्टूबर 8, 2002 को, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं मिस्टर ओलंपिया कभी जीतूंगा। 7 बार जीतना तो मेरी सोच से ही बाहर था। जब मैंने बास्केटबॉल छोड़ी तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। बास्केटबॉल डिवीजन 1 में खेलना चाहता था जो मैं खेल नहीं पाया, तो मुझे कोई आउटलेट चाहिए था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। वो मुझे बॉडी बिल्डिंग में दिखाई दिया। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे सिखाया कि कठिनाइयों में मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग कैसे होते हैं। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे सिखाया कि कैसे हार्डवर्क करना है जब आप अकेले हो, जब आपके साथ कोई नहीं है, मुश्किलों में, डेथ्स में, एडवर्सिटीज में, जब कुछ सही नहीं हो रहा। तब मेरे पास सिर्फ जिम था जिसमें मैं कभी भी किसी भी टाइम जाके वर्कआउट कर सकता था। ऐसे भी दिन आए जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जिम में अकेले होते थे और मैं मर रहा होता था। तब दीवार पे लगी हुई आर्नोल्ड की, ली हेने की, रॉरी कॉलमैन की, डॉन नेट्स की फोटो देखता था और अपने आप कहता था कि बस एक और सेट, बस एक और रैप, जो सब तेरे अंदर है उसे बाहर निकाल, ताकि तू अपने आप को जीतने की बेस्ट पोजीशन पे रख सके। और वही मैंने किया और वही हम सब भी कर सकते हैं। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उन सबको साथ लेकर चलना है। आगे बढ़ो और चलते रहो। हर बार जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा। आप देखिए, जिन लोगों को मैंने आज बीट किया है इस चैंपियनशिप में, वो सब अनबिलीवेबल बॉडी बिल्डर्स हैं। उनका आज दिन नहीं था, मेरा दिन था। प्लीज इन सब इनक्रेडिबल बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए जीतना बहुत मुश्किल कर दिया। पर मेरा भगवान पे, मेरी फैमिली पे, मेरे ट्रेनर हनी राम बोर्ड पे पूरा भरोसा था। आई लव यू हनी। मेरा शुरू से एक ही ट्रेनर है। मेरा फर्स्ट प्रो शो कोलोराडो प्रो शो और उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो शो जो मैंने जीता, उन्हें जीतने के बाद बहुत लोग मेरे पास आए और मुझे बोला कि फिल तुम बहुत आगे जाओगे। पर हनी ने मुझे समझाया कि बॉडी बिल्डिंग एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। इंसान की असली ताकत तब पता लगती है जब वो हारता है, ना कि जब वो जीतता है। तो मैं कई बार हारा भी। मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि कुछ भी हो जाए चलते रहो और सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग आदमी बनो। कई बार लोग बोलते थे तुम नहीं कर सकते। जब लोग तुम्हें बोले कि तुम नहीं कर सकते तो तुम उनकी तरफ मत देखो। उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिरर में देखो और पूछो, क्या तुम एक और रैप कर सकते हो? क्या तुम में हिम्मत है हर वो चीज पाने की? जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, जब तुम्हारी पीठ कोई नहीं थपथपा रहा, जब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं है, जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई लाइक नहीं कर रहा, क्या तुम्हें हिम्मत है आगे जाने की? जब तुम ऐसा कर पाओगे तो अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रख पाओगे। और वही मैंने किया। यह आसान नहीं था। बहुत लोग बोलते थे कि फील ही तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, लेकिन मैंने वो जेनेटिक्स को रोज, हर रोज जिम में हार्डवर्क से बनाया, एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ओलंपिया का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बॉडी बिल्डिंग का कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूं। क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता था, आप मेरी तरफ देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। भगवान ने मेरे लिए दूसरा प्लान बनाया था और मैं उस प्लान पे अमल किया। मैं इस बात से खुश हूं और कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूं बहुत सारे फैंटास्टिक बॉडी बिल्डर हैं जो नेक्स्ट ईयर मुझे हराने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे पता है जीतना एक आदत है और मुझे वो आदत है।
अगर तुम जिंदगी में अपनी सक्सेस के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो, सबसे ज्यादा, तो तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। पर गोल ये होना चाहिए कि जब तुम कामयाब हो तो उस सक्सेस को अपने तक मत रखो, उसे लोगों से शेयर करो ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए अपने सपने पूरे करने का।